आज जो रेसिपी हम लोग बनाएंगे वो है एगलेस बनाना पैनकेक की रेसिपी। जी हाँ, आज हम लोग बनाना पैनकेक बनाएंगे विदाउट एग। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सबको पसंद भी आता है। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चे लोग को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। क्विक से बन भी जाता है और सबको पसंद भी आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बनाना पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो पके हुए केले चाहिए, चॉप करके मैंने यहाँ पे लिया है। एक कप गेहूं का आटा, हाफ कप चीनी, वन कप मिल्क, वन टेबल स्पून बटर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेना है। अब हम लोग ग्राइंडर में पके हुए केले को डालेंगे जो चॉप करके रखे थे। फिर उसमें चीनी डालेंगे, हाफ कप चीनी यहाँ पे लिया है। वन कप मिल्क डालेंगे, बटर डालेंगे वन टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून और एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब हम लोग इसमें गेहूं के आटे को डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना पड़े और एक फाइन मिक्सचर तैयार हो जाए। ध्यान रखना है इस बैटर को आपको ना ज़्यादा लूज रखना है ना टाइट रखना है, इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैं स्पैचुला से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना रिबन टाइप बैटर बना है। तो इस तरह से आपको बैटर तैयार करना है। अब एक पैन लें, उसे गर्म करें और गर्म होने के बाद उसमें आप बटर डालें। बटर या घी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इसे चारों तरफ हम लोग स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में। गर्म हो जाने के बाद हम लोग उसमें बैटर को डालेंगे और हल्के हाथों से उसे स्प्रेड करेंगे इस तरह से। और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे, इसे हाई फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। ये देखिए दोनों साइड से ये कुक हो चुका है। अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग बाकी जो भी बैटर है उससे हम लोग पैनकेक बना लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। फिर हल्के हाथों से फ्लिप कर लेंगे और फिर से इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए ये भी मेरा पैनकेक बनके तैयार हो गया। अब इसे भी हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हनी से उसे गार्निश करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आता है। तो आप जब भी बनाना पैनकेक बनाएं तो उसे हनी से गार्निश करके ही आप उसे सर्व करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, सबको ये पसंद आता ही आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये एगलेस बनाना पैनकेक की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।